बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कालर बिशराहली सदरी व्यासिरली अमरी वहलु लुगदम लिस्सानी यफकहु कौली। अस्सलामु अलैकुम जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं अली हैदर आप सबको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने चैनल अली मोटर्स पर, और आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली सारी की सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। और अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 03475625697। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 03475625697। आप मुझे सिर्फ इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी कोई भी क्यूरी गाड़ी के रिलेटेड जान सकते हैं। बहुत जल्द बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि आप इंस्टॉलमेंट पे काम शुरू करें, इंस्टॉलमेंट पे शुरू करें, तो आप सबके लिए खुशखबरी है कि एक बैंक के साथ एफिलिएट हम लोग कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जल्द ये है कि आपके लिए बैंक के थ्रू ही ज्यादा आसानियां पैदा की जा सकेंगी और आपको जो है वो गाड़ियां फैसिलिटेट कर सकूंगा मैं लीज पर भी बहुत जल्द इंशाल्लाह, और उस पर मैं वीडियोज भी बनाने वाला हूँ बहुत जल्द। सो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो बंदा सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखता है मुझे वो इंतहा बुरा लगता है, सो आप सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो को। तो आज मेरे साथ तलहा मौजूद है। तलहा कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र है। ये हमारा मेन क्रू मेंबर है और जब मैं नहीं होता तो तब ये होता है, तो ये हमारे बड़े एहतरामन मेंबर है, हमारे कजन भी है मेरा और मेंबर भी है हमारे इस क्रू का। सो आज हम जो गाड़ी करने जा रहे हैं वो 2015 मॉडल है, 2020 की इम्पोर्ट है और बिल्कुल फ्रेश इम्पोर्ट है। इसको हम लोग पीए गाड़ी बोलते हैं, नई शेप के अंदर ये गाड़ी मौजूद है और इसके अंदर इको इंजन आता है। उसके अलावा अगर इसकी मैं माइलेज की बात करूं तो 64,800 या 986 किलोमीटर जो है गाड़ी चली हुई है, 64,986 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है। और इसका जो वेरियंट है वो ट्रिप्टॉनिक गाड़ी है, ये पीए ट्रिप्टॉनिक में आती है ये गाड़ी। इसकी ऑलमोस्ट जो माइलेज है वो शहर के अंदर 17-18 किलोमीटर ये माइलेज देती है और अल्हम्दुलिल्लाह एसी या हीटर के साथ देती है, बेफिक्र रहे। और अगर हम लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग पे इससे भी अच्छी इसकी माइलेज हो जाती है क्योंकि इसके अंदर ई इंजन लगा हुआ है। ई इंजन जो है इसकी सर्विस को बेहतर से बेहतरीन बनाता है आपके पेट्रोल के लिहाज से। डिपेंड्स ऑन कि आप गाड़ी किस एरिया में यूज कर रहे हैं, अगर तो आप बहुत ज्यादा ट्रैफिक एरिया में यूज कर रहे हैं तो 15 से ज्यादा नहीं देगा, अगर आप किसी अच्छे एरिया में यूज कर रहे हैं गाड़ी को तो 100% देगा आपको। सो 18 या 17 ऑलमोस्ट जो है वो लाजमी देगा। सो आई होप आपको ये गाड़ी पसंद आएगी। आइए हम लोग ये गाड़ी पहले देखते हैं। मैंने आपको बताया कि ट्रिप्टॉनिक गाड़ी है, ये पीए गाड़ी है। इसके अगले भी जो है वो हाथ वाले दरवाजे होते हैं और पिछले भी आगे इसकी सोफा सीट होती है, पीछे इसके फट्टा सीट होती है और ये टोटल जेन्युइन है, जेन्युइन एयरबैग्स और जेन्युइन टोटल जेन्युइन पेंट के साथ मौजूद है। हल्का सा पेंट इसको हुआ है लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, अभी आपको दिखा दूंगा कहां से हुआ है, वो भी बम्पर पे है नीचे बस, क्योंकि बम्पर काउंट नहीं होते गाड़ी के अंदर। तो ये टोटल जेन्युइन है, एयरबैग जेन्युइन है, हर लिहाज से हमारी आवाज है ये गाड़ी जेन्युइन है। सो आइए हम लोग इस गाड़ी की हालत जानते हैं, उसके बाद जानेंगे इसकी प्राइस क्या है। जी सबसे पहले आप लोग मीटर देख लें, 64,886 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, 140 के मीटर के साथ आपको ये गाड़ी देखने को मिलती है। और ये आप लोग देख लें इस तरह की कुछ लुक है इसके मीटर की। उसके अलावा अगर इस साइड से बात करूं मैं तो यहाँ पे आपको कप होल्डर एक देखने को मिलता है, उसके अलावा फैन मिलता है जो कि हीटर या फिर एसी का फैन हो सकता है, दोनों चीजें आप इसी फैन से यूज करेंगे। एयरबैग की बात करूं तो एयरबैग बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में मौजूद है इस गाड़ी के, टोटल गाड़ी जेन्युइन है और एयरबैग भी बिल्कुल टोटल जेन्युइन है इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा सामने से अगर आपको डैशबोर्ड की कंडीशन दिखाऊं तो डैशबोर्ड देखिएगा काफी अच्छी कंडीशन में इसका डैशबोर्ड मौजूद है, ये आप लोग के सामने है, ये आप लोग देख लें। और इस साइड पे अगर मैं बात करूं स्टीरियो लगा आपको मिलता है जो कि आपको टाइम के साथ साथ बाकी चीजें भी शो करता है। और इसकी आप लोग ट्रांसमिशन भी देख लें, ये बेसिकली आपको जो है वो यहाँ से आप इसको जो है वो ऑटो भी रन कर सकते हैं और मैनुअल भी, ये इसके मैनुअल पॉइंट्स हैं। यहाँ से आप लोग इसका जो है वो अगर मैं इसको नीचे प्लस पे करूंगा तो ये दूसरा गियर इसका लग जाएगा, सो ये कुछ इस तरह से यूज होती है, जब माइनस पे करूंगा तो वो इस तरह से, तो ये कुछ इस गाड़ी का यूजेज है। यहाँ पर आपको इसकी हैंड ब्रेक देखने को मिलती है, ये आप लोगों के सामने है। ये गाड़ी आपने पहले भी काफी दफा देखी हुई है कुछ गाड़ियों पे, यहाँ पे आपको ट्रे लगी मिलती है लेकिन इस गाड़ी में ये ट्रे मौजूद नहीं है। ये देख लें आप लोग छत की कंडीशन, ये छत की कंडीशन है, ये आप लोगों के सामने। अगर लाइट की बात करूँ तो लाइट काफी अच्छी कंडीशन में मौजूद है, ये आप लोग देख लें। और इस साइड से भी छत की कंडीशन देख लें, ये कंडीशन है छत की, इसके छत की ये आप लोगों के सामने है, ये भी देख लें। और इस साइड से अगर कंट्रोल्स की बात करें तो कंट्रोल्स यार हाथ वाले दरवाजे आते हैं इसके अंदर, आपको यहाँ पे कोई भी कंट्रोल देखने को नहीं मिलता। ये पीए बेसिकली सादी गाड़ी कहलाती है इसलिए इसको हम पीए बोलते हैं, सही है।
आइए हम लोग पीछे चलते हैं। कारपेट्स वगैरह बिल्कुल अभी नए हैं, अभी नीचे थोड़ा सा लाइट नहीं है आज मेरे पास तो को दिखाता। खैर कारपेट बिल्कुल नए ओके कंडीशन में मौजूद है। आइए हम लोग पीछे चलते हैं और गाड़ी को जानते हैं क्या कंडीशन है भाई गाड़ी की। और बाहर वाले जो ये वाले शीशे होते हैं ना, ये भी हाथ वाले होते हैं उसके। आइए हम लोग बाहर चलते हैं। जी हम लोग आ चुके हैं गाड़ी के दरमियान में, और दरमियान से सबसे पहले मैं आपको नीचे से दिखाऊँ। ये देखिएगा ये कारपेट है इसका, ये आप लोगों के सामने है, ये सर कारपेट है, ये आप लोग देख लें। पीछे अगर लाइट की बात करूं, सॉरी पीछे अगर आपको मैं सीट की अगर बात करूं, सीट देखिएगा इस कंडीशन में इसकी सीट मौजूद है, ये आप लोगों के सामने है, ये आप लोग देख लें। और ये गाड़ी भी मैं लेके जाने वाला हूं कहीं। इस साइड से आप लोग छत देख लें, ये कंडीशन है इसके छत की, ये आप लोगों के सामने है, ये आप लोग देख लें कंडीशन छत की। ये डिब्बी इसकी उतारी हुई है खुद ही। लाइट देख लें, लाइट की ये कंडीशन है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में लाइट चल रही है, ये आप लोगों के सामने है। पीछे आप लोग कारपेट देखें, कारपेट भी आप लोग देखें, ये हालत है इस कारपेट की, ये आप लोगों के सामने है। जी मैं आ चुका हूँ गाड़ी के पीछे, और आप सब लोग कह रहे थे कि गाड़ी का शॉर्ट से शॉर्ट रिव्यू किया करो, तो भाई चीज़ें कवर नहीं होती शॉर्ट रिव्यू के अंदर, लेकिन ट्राई करता हूँ कि शॉर्ट रिव्यू ही करूँ। नीचे आप लोग लाइट देख लें, ये कंडीशन है इसकी लाइट की, ये आप लोगों के सामने है, ये आप लोग देख लें पीछे से पूरा का पूरा। अगर आपको व्यू दिखाऊं गाड़ी का, तो पूरा का पूरा ये व्यू है इस गाड़ी का, ये भी आप लोगों के सामने है। हम लोग आ चुके हैं राइट साइड पे गाड़ी की, तो राइट साइड से आपको मैं सबसे पहले दिखाऊं तो नीचे के टायर की बात, तो टायर देखिएगा ये कंडीशन है इसके टायर की, काफ़ी अच्छी कंडीशन है उसका, जो अभी टायर मौजूद है ये आप लोग देख लें। गाड़ी टोटल जन्मना यार, पेंट का किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, वो मैंने आपको बम्बर बताया, अगला मैं भी दिखाता भी हूँ। और ये पिछला दरवाज़ा इसका रेड और हम बोलते हैं इसको रेड और की ये कंडीशन है, ये आप लोग के सामने है, ये आप लोग देख लें। अगर पीछे दरवाज़ा की बात करूं तो ये दरवाज़ा है इसका, ये भी आप लोग देख लें, ये अगला दरवाज़ा इसका बिल्कुल टोटल जेन्युइन स्क्रैच लेस, कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। इस साइड पर अगर फेंडर की बात करूं तो फेंडर देखिएगा ये कंडीशन है इसका फेंडर की, ये आप लोगों के सामने है, बिल्कुल जेन्युइन हालत में इसका फेंडर जो है ये मौजूद है। इस साइड से नीचे अगर आपको मैं टायर दिखाऊं तो टायर देख लें आप लोग, ये कंडीशन है इसके टायर की। फ्रंट से अगर बम्पर की बात करूं तो बम्पर देखिएगा आप लोग, ये कंडीशन है इसके बम्पर की, ये आप लोगों के सामने है। अरे यहाँ से पेंट हुआ था, यहाँ से जो है ना इसका पेंट चेंज हुआ है, यहाँ से ये इसका पेंट चेंज है, उस साइड से बिल्कुल ओके है। सो फ्रंट की अगर आपको लाइट दिखाऊँ राइट साइड की, तो राइट लाइट आप लोग देखिएगा काफ़ी अच्छी कंडीशन में जो है ये मौजूद है, ये आप लोगों के सामने है। पूरा का पूरा व्यू की बात करूं गाड़ी के, तो पूरा का पूरा आप लोग व्यू देख लें गाड़ी का, ये व्यू है इस पूरी की पूरी गाड़ी का, बहुत ही लश कंडीशन में आपको ये गाड़ी जो है वो देखने को मिलती है, ये आप लोग देख लें। आइए हम लोग चलते हैं लेफ्ट साइड पर। लेफ्ट साइड पर सबसे पहले आपको मैं अगर नीचे इसकी टायर की बात करूँ तो टायर आप लोग देखिएगा इस कंडीशन में, इसका जो है टायर मौजूद है। लेफ्ट साइड से आप लोग इसका फेंडर भी देख लें, ये फेंडर इसका लेफ्ट साइड से, ये आप लोगों के सामने है। अगर दरवाज़े की बात करूँ, दरवाज़ा देखिएगा आप लोग लेफ्ट साइड का, अगला दरवाज़ा पैसेंजर डोर हम इसको बोलते हैं, बहुत ही जेन्युइन कंडीशन में ये जो है ये मौजूद है, ये आप लोग देख ले, ये आपके सामने है। और पीछे के दरवाज़े की बात करूँ, पिछले दरवाजे की, तो पिछला दरवाज़ा भी आप लोग देख लें, बहुत ही जेन्युइन कंडीशन मौजूद है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सीलों में गाड़ी है सारी, और सीलें चेक करने का तरीका ये है, अगर आप यहाँ पर नाहल लगाएंगे तो आपको यहाँ पर निशान दिखेगा एक, किसी भी जगह आप लगा के देख लें। तो जो जेन्युइन सीलें होती हैं वो बहुत नरम होती हैं, जो कि आपको अपना बताती हैं कि भाई जेन्युइन सीलें जो है वो ये होती हैं। इस दरवाजे की भी आपको अगर जेन्युइन सीलें दिखाऊं तो ये इसकी जेन्युइन सीलें हैं, ये देख लें आप लोग। सो ये कुछ निशानदेही करने के लिए चीज़ें होती हैं जेन्युइन सीलों की। नीचे के टायर की बात करूँ तो लास्ट टायर है, टायरों की हालत ऑलमोस्ट सारी की सारी जो है जैसी है। आइए हम लोग इसे प्राइस जानते हैं, अगर आपको गाड़ी पसंद है तो 03475625697 पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और इस गाड़ी को अपने नाम करवा सकते हैं। जी गाड़ी आपने देखी है, जानी है सारी की सारी, आई होप आपको ये गाड़ी पसंद ही होगी। 2015 मॉडल है, 2020 की इम्पोर्ट है, पीए गाड़ी है ये, और इसके अगले भी जो है वो हाथ वाले दरवाजे होते हैं और पीछे भी जो है हाथ वाली विंडो होती है इसकी। उसके अलावा ट्रिप्टॉनिक वेरिएंट में आती है, और 2015 मॉडल 20 की इम्पोर्ट, 64,886 किलोमीटर की गाड़ी चली हुई है।
इसकी जो प्राइस है वो डिक्लेयर की जा रही है, ये बेसिकली हम लोग ऑफर में गाड़ी सेल कर रहे हैं। इसकी प्राइस वैसे तो 16 लाख के करीब डिक्लेयर की जा रही है, लेकिन फाइनल फुल एंड फाइनल 15,25,000 रुपए की अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ये गाड़ी मैं दूंगा। तो अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो फौरन से रब्ता कीजिएगा, टोटल जेन्युइन गाड़ी है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है इस गाड़ी के अंदर। और आई होप आपको ये गाड़ी पसंद आई होगी और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। सो खुश रहें, सलामत रहें, जीते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बहुत सारी दुआएं, एक तो आपके लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।